दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी डिजाइनर ब्लाउज कैसे बनाए। डिजाइन बनाने वाली हूँ और वो भी दो कलर में, और इसका सेम ब्लाउज का मैंने बैक से डिजाइन बनाया, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा ब्लाउज डिजाइनर बन सके। ये जो ब्लाउज है ये 34 साइज का, और ये मैं वन डॉट वाला ब्लाउज बना रही हूँ। तो जो हम ये ब्लाउज बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले ड्राफ्ट हम पेपर पर कट करेंगे, और पेपर का ड्राफ्ट रख के फिर हम ब्लाउज कट करेंगे, क्योंकि इससे क्या है हमारा कपड़ा कम लगता है। देखिए ये ब्लाउज मैंने कट कर लिया है, ये 34 साइज का ब्लाउज है, और ये हाई नेक में, तो इसका मैंने जो शोल्डर लिया है वो 14 इंच लिया है, और जो ब्लाउज की लेंथ है वो मैंने 15 इंच ली है। आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक ऊपर का नेक रहेगा जो कि बोट नेक रहेगा, तो वो हम 3.5 इंच ले लेते हैं लंबाई इसकी नेक की, और शोल्डर से 4 इंच ले लेते हैं। सेम 3.5 इंच तक एक बॉक्स बना लें, और इसमें 1.5 इंच की गुलाई दे दें। इसके बाद हम इसको खोल देते हैं ब्लाउज को। देखिए मैंने ये ब्लाउज को खोल दिया है, और ये हमारी सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन को आप इसको डार्क कर लें। और हमारा ये भी जो बोट नेक है ऊपर का, अब यहीं से हम इसकी डिजाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर तक ड्रॉ कर दिया। अभी जो हमारा दूसरा साइड का, यहाँ पे भी हम हल्की सी गुलाई देंगे, तो यहाँ से पूरा स्ट्रेट ही लेना है, ज्यादा गुलाई नहीं देनी है, बस हमको इस पॉइंट पे आके यहाँ पे हल्का सा ऐसा वी शेप दे देना है। तो इस पार्ट का यहाँ पे इस तरह से वी शेप आएगा, और इस पार्ट का इस तरह से, तो यहाँ पे जो है साइड में थोड़ा सा वी शेप रहेगा। तो सेम ड्राफ्ट पर भी हम कट कर लेते हैं। मैंने इस तरह से कट कर दिए हैं, तो मैं इसको दो कलर बनाने वाली हूँ। तो ये जो राइट साइड है ये हम ग्रीन कलर लेंगे, और जो लेफ्ट साइड है ये पिंक कलर लेंगे। आप अपने चॉइस के अनुसार कलर ले सकते हैं, या फिर एक ही कलर में आप ये ब्लाउज बना सकते हैं। तो देखिए जो ये ड्राफ्ट है हमारा राइट साइड का, इसको तो सेम लेंगे हम, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, और जो लेफ्ट साइड है इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये इसके ऊपर इस तरह से सेट हो सके, उसके लिए हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए मैंने ये ड्राफ्ट इस तरह से ब्लाउज के ऊपर सेट कर लिया है, और सेम कट कर लेती हूँ। और सेम ड्राफ्ट रख के मैं अभी लाइनिंग भी कट कर लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने ग्रीन कलर ले लिया जो राइट साइड में, पिंक कलर इसका लाइनिंग भी मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पे मैं पाइपिंग देने वाली हूँ। तो सेम ड्राफ्ट रख के मैंने 1 इंच चौड़ा कैनवास और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, और इसको पहले मैंने अभी जैसे पिन से सेट किया है ऐसे ही मैं स्टिच डाल दूंगी, और उसके बाद मैं ऐसे इसके ऊपर स्टिच कर दूंगी जिससे इसकी पाइपिंग दे देंगे। जो लेफ्ट साइड में इसको हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, पहले हम सीधे पे स्टिचिंग डाल देंगे और फिर पलट देंगे, तो यहाँ पे हमको पाइपिंग नहीं देना, ऐसे ही फिनिशिंग दे देंगे नीचे। ये मैंने पाइपिंग देने के लिए ये गोल्ड कलर ही यूज किया है, ये क्रॉस में मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। तो देखिए जो हमने ये लाइनिंग भी कट कर लिया है मैंने, और लाइनिंग के साथ पूरा स्टिच कर दिया, ये राइट साइड पीट है, ये लेफ्ट साइड है, जैसा कि मैंने बताया था, मैं इसको ऐसे स्टिच कर लूंगी और अभी इसको मैं पलट दूंगी, तो क्या है हमको अंदर फिनिशिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से ये फिनिशिंग आ जाएगी इसकी, और इसके ऊपर में मैं चारों तरफ से स्टिचिंग डाल देते हैं। पहले इसमें प्लेट डालते हैं, प्लेट डालने के बाद यहाँ पर जो पाइपिंग देने वाले हैं वो देंगे, उसके बाद फिर इसको सेट करेंगे। तो देखिए ये हमारी लाइन खींची हुई है, ये सेंटर पार्ट है यहाँ पर, ये वाला ब्लाउज का सेंटर पार्ट ले लें, और जो हमने ये इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे, तो 1 इंच का इस तरह से मार्किंग कर दें, उसके बाद आप इसको 1 इंच पे ऐसे सेट कर लें। इससे क्या है जब हम पाइप वो प्लेट डालेंगे तो हमारी प्लेटें जो है दोनों बराबर से आ जाएंगी। तो उसके बाद हम इसमें 1 डॉट ही डालने वाले हैं, तो यहाँ से हम 3.5 इंच ले लेंगे, और सेम 3.5 इंच हमको दूसरे पार्ट में लेना है, तो ये 7 इंच हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 5 इंच लंबी प्लेट डाल देंगे, तरह से बीच में से फोल्ड कर लेंगे, और नीचे से 1.5 इंच चौड़ी एक प्लेट डाल लेंगे। देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा ये कप बन गया है, हमने एक ही प्लेट डाली है, लेकिन एक प्लेट में भी आप कप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और कप बनाए तो यहाँ पर मुड्डे वाली प्लेट भी आप डाल सकते हैं। इसमें डाल देती हूँ अभी, जो ये पट्टी हमने ली है इसको हम यहाँ से इस तरह से पूरा नेक में स्टिच कर देंगे।
देखिए ये स्टिच कर दिया मैंने। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए और यहाँ पे हल्की सी ये पाइपिंग दे देंगे। तो देखिए मैंने इसमें भी नीचे पाइपिंग दे दी है और ये भी तैयार, हमारा पूरा पीस तैयार हो चुका है। अभी हम इसको सेट करते हैं। तो देखिए शोल्डर से ही आप इसको सेट कर लें यहाँ पे। उसके बाद नीचे भी सेम इसी तरह से। तो देखिए मैंने पिन से सेट कर दिया है, अभी सेम इस पर स्टिचिंग डाल देते हैं। तो देखिए हमने इसकी इधर भी पाइपिंग दे दी, ये भी सेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। ये मैंने रेडीमेड बटन लिए हैं जो कि स्टिचिंग करने वाले हैं। अगर आपके पास पिंक कलर जिस जो भी कलर आप डाल रहे हैं, कोई भी एक कलर के बटन आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो आप इस आसान तरीके से वन डॉट वाला डबल कलर ब्लाउज बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।